बंदे को था, मेरे को लग रहा था ये पिलेगा। राजन भाई मेरे को ये स्टार्टिंग से लग रहा था ये पिलेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल विकेट राइडर। काफ़ी टाइम हो गया है और ब्लॉग नहीं बनाया है हम लोगों ने, तो भाई जो आज का ब्लॉग है ना वो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि जो ड्रोन है वो अपना आ चुका है गोकर्णा वाले ट्रिप पे, आपने देखा होगा, तो ड्रोन से शॉट लेंगे, ट्राई करेंगे कुछ कुछ न्यू। बेंगलोर में भी अच्छा खासा ठंडा हो गया यार। व्हाट अ लवली स्टैचू यार, बहुत अच्छा बना हुआ। गूगल मैप्स वाले भैया ने बोल दिया है 6 किलोमीटर तक सीधे जाना है। अभी मेरे को पता है क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो मेरे को हेलमेट खोल के बात करना पड़ता है अभी, पूरा उसकी वजह से नाक बंद हो गया मेरा। लवली मॉर्निंग। राइट में आप देख सकते हैं मेट्रो खड़ी है यहाँ पे, और ये है कौन सी पर्पल लाइन। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कदम्बा वेज और कॉफ़ी पियेंगे। तो चीयर्स टू सर राजेश भाई, राजन भाई, किरण। तो अभी कॉफ़ी पीते हैं और बाइक्स अपनी वहाँ पे खड़ी हुई है, और एक और बात बने रही है क्योंकि थोड़ा सा ऑफबीट लोकेशन है। yes. जो कि बहुत लोग जानते नहीं इसके बारे में, तो डेफिनेटली मज़ा आने वाला राइड, तो में भी शायद ऑफ रोड हो सकता है मे बी। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम लोग निकलने वाले हैं अपना डेस्टिनेशन पे, पहुंच के आपको दिखाएंगे क्या क्या है जगह में। पहाड़िया के ऊपर से सनराइज, वाह वाह। क्या रुक रहे क्या, वाह वाह। इधर भी लेंगे ड्रोन शॉट अपन। अभी हम लोगों ने लिए हैं मस्त मस्त ड्रोन शॉट, बहुत अच्छे शॉट्स आए हैं यार। मतलब लिटरली मोटो व्लॉगिंग को भी थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में ज़्यादा बेटर है। क्या हुआ, खाने को? हाँ खा लो, आ जाओ। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने रुक चुके हैं और जैसा कि देख सकते हैं ऑर्डर कर लिया है। बहुत बढ़िया सा सेटअप है इनका, खाना भी अच्छा है एक्चुअली, बहुत अच्छा है। प्रेफर जब भी कभी बाइक राइड पे जाइए तो प्रेफर यही करिए कि ऐसा प्लेसेस से खाइए, क्योंकि फ्रेंचाइजी वाले तो एनी हाउ कमा रहे हैं कहीं ना कहीं से। इस रास्ते पे जो लेक है बहुत ही अच्छी पड़ रही है, मतलब लेक ही लेक है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप।
अभी हम लोगों को बीच में मिली थी एक नहर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ खड़े होके हम लोग थोड़ी देर रुक गए। ओके वी कैन गो फ्रॉम हियर ना। ओके रास्ता यहाँ से मैंने पहना है एक्चुअली राइडिंग बूट्स, तो थोड़ा सा मेरे को देख के जाना पड़ेगा क्योंकि इधर पे ग्रिप नहीं रहता है। ऑलराइट यहाँ पे देखिए वाटर फ्लो बहुत सही यार, बहुत सही। जो पानी का वो है, पानी का छींटे यहाँ तक लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है यार। फाइनली पहुँच गए, मज़ा आ रहा है यार सीरियसली। अभी थोड़ा सा ना राइडिंग गियर्स उतार के ये देखो क्या व्यू है, यहाँ से पूरा प्रॉपर व्यू आ रहा है, जस्ट अल्टीमेट है। अभी जो हवा लगी वाह वाह बहुत सही है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग व्यू है। तो हेलमेट से पूरा बाल ख़राब हो गया, तो बहुत सही व्यू है पूरा वाटरफॉल। आई डोंट नो नीचे तक जा पाएंगे कि नहीं, बट थोड़ा सा और नीचे जा सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ लोग बैठे हुए हैं उधर। हाँ 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 मज़ा आ रहा है, वो देखो रेनबो बन रहा है, रेनबो बन रहा है उधर पे, वहाँ पे अगर देखोगे तो पता नहीं कैमरा में कैप्चर होगा कि नहीं, बट यहाँ पे आके ना बड़ा पीसफुल जगह है, मज़ा आ रहा है। सर प्यास बड़ी लगी है, पानी में एक्चुअली लेके आना भूल गया। क्या ज़बरदस्त है। अभी बोलते हैं इस लोकेशन को बाय बाय और निकलते हैं सीधा मेन हाईवे पे लंच करने के लिए, क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट हो चुका है एज़ यूजुअल। मेरे लग रहा है ऊपर पहुंच के भी रेस्ट करना पड़ेगा। उफ अभी हम लोगों के राइट में पड़ी थी ये वाली लोकेशन, तो हम लोगों ने लिए हैं बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़, वो मैं डालूंगा अपने इंस्टाग्राम चैनल पर जो कि है विकेट राइडर ऑफिशियल। तो ये ढाबे का नाम है स्नेहा चंडीगढ़ पंजाबी ढाबा, वेज एंड नॉन वेज। वाह क्या भाई खाना मिला है, अरे वाह कौन हो गया मेरा नहीं। ये है राजन भाई का वेज खाना, अब मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ और राजेश भाई स्ट्रगल करते हुए अपना आ चुका है पनीर, सॉरी पनीर, पनीर मुँह से कैसे निकल गया मेरे चिकन बटर मसाला, और ये है फुल बटर कुलचा, बटर कुलचा। ये ले R15 गिरा दी भाई, इस बंदे को था मेरे को लग रहा था ये पहले।
राजन भाई, मेरे को ये स्टार्टिंग से लग रहा था ये पिलेगा। बहुत ज़्यादा चौड़ में, बहुत ज़्यादा चौड़ में चला रहा था। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद विकेट राइडर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप लविंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अस्सलाम।